देखो अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ कॉमन नेम के बेस पे, उन टर्मिनोलॉजी के बेस पे देखेंगे अपन लोग यहाँ पर नाम कैसे कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पर कि यदि एक कार्बन हो टोटल, इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे फॉर्म। यदि दो कार्बन होंगे तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बोल लो, वैसे एथ यूज करते हैं, लेकिन यहां पर अपन लोग करेंगे एस, एसेट। तीन कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज प्रोपियोन। चार कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग ब्यूटायर। पांच कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग वेलर। छह कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, प्रियोन। मे भी आप लोगों ने ये कुछ भी नहीं सुना होगा, सुना है क्या? अब नो सर, नो सर। यदि बात करें बच्चे अपन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फंक्शनल ग्रुप में देखिए बच्चे अपन लोग फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज COOH। COOH के लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, ऊपर लिख देना सफिक्स, लिखा है COOH। इसके लिए हम लोग आएंगे इट इज इक एसिड। यदि लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये होगा इक एनहाइड्राइड। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अल्काइल। देन आफ्टर लगाएंगे हम सफिक्स में एट, सी डबल बॉन्ड ओ, एक्स लिखा है दैट इज एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड। सर वो आईसी क्या लिखा है ऊपर? सर वो आईसी लिखा है, आईसी का मतलब क्या है? हाँ कहाँ पे? वो एक एक अच्छा ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हुआ, इन दैट केस एमाइड। सी ट्रिपल बॉन्ड एन हुआ देन ओ, नाइट्राइल। चलो स्टार्ट करो। सी एच ओ हुआ इन दैट केस एल्डिहाइड। लिख लीजिए सर, लेफ्ट साइड के प्रीफिक्स है ना, लेफ्ट क्या बेटा, साइड में जो है वो प्रीफिक्स है ना राइट साइड में। सर, लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स है ना। हाँ ये नाम होंगे अपने को, मतलब कार्बन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। ओके सर, लिख लो ना, समझते हैं अपन लोग कैसे बनाएंगे अपन लोग नाम, है ना। वो एक्स मतलब क्या है? क्या वो एक्स मतलब क्या है? एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन बेटा, है ना। हेलोजन नहीं सुना ओके आप सर, लोगों ने, टोल सर सुना है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ सर वो सुना है। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? एक मिनट बता रहा, एल्डिहाइड कैप्रियन। सर वो ओ नाइट्राइल लिखा है। हाँ हाँ जी ओ देन नाइट्राइल। लिख लिया, एक मिनट सर।
यस सर। दो सर एक मिनट। सर सेकंड वाला क्या लिखा है? कहाँ पे? या नहीं सर, राइट साइड में एक एनहाइड्राइड। डन? यस सर। के तीन एक मिनट। रख कर दो सर, राइट साइड का मतलब। चलो भैया नाम दिए, कुछ समझते हैं अपन लोग यहाँ पर सर। हाँ जी सर, राइट साइड में सफिक्स सात है पर हमने नाम सी सिक्स तक के लिखा था। हाँ बस इतने ही काफी है आपके ना, इतने में कॉमन नेम आएंगे आपके। नहीं सर, तो मतलब वहां पे छह थे और यहाँ पे सात है, तो ये मतलब इन लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया। इनको लगा ये लेफ्ट वाले प्रीफिक्स थे, ये बीच वाला वर्ड रूट है। वो कार्बन एटम के लिए यूज कर देते हैं ना नेम। ओके सर। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम देन नेम। और ये फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप ये दिया होगा तो उनके लिए सफिक्स। ठीक है, ओके सर। चलो देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पर लिखा हुआ है COOH, HCOOH। टोटल कितने कार्बन है बोलो? एक। एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? फॉर्म। फॉर्म, यस। इज फॉर्म लिख दिया, देन COOH के लिए सफिक्स क्या लगता है? इट इज एक एसिड। एक एसिड, तो नाम क्या होगा? इट इज फॉर्मिक एसिड। अरे बोलो आया ना? यस। चलो एक और बता देता हूं, लिखा है CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। कितने कार्बन हो गए टोटल? दो। दो। नाम क्या हो गया? एसिड। एसिटिक एसिड। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यदि लिखा है इट इज CH3, CH2, COOH, कितने कार्बन हो गए? तीन। यस सर। प्रोपियन, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। समझा क्या? यस सर। चलो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, एक दो तीन चार, बोलो हाँ या ना? यस। यस। इन दैट केस क्या बनेगा? दैट इज चार कार्बन के लिए ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्यूटायरिक एसिड। यस सर। यदि मैंने बोला यहाँ पे पांच कार्बन की थी, छह कार्बन दे दिए, इन दैट केस क्या होगा? इट इज कैप्रियोनिक एसिड। कैप्रियोनिक एसिड। चलो क्या होगा यदि दिया है इट इज HCl। सर सर पांच कार्बन है तो फिर तो वैलेरिक एसिड होगा ना? अरे श्योर पांच कार्बन है? आपने जो बोला ना पांच। अरे यार आखिरी के तीन वापस बताएंगे क्यों बेटा? क्या समझ नहीं है? समझा नहीं उनका नेम। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार। यस सर। चार के लिए क्या यूज करते हैं बोलो? ब्यूटायर। यस सर। और सफेद क्या होगा? एक एसिड। नाम क्या होगा? ब्यूटायरिक एसिड। यस सर। सिमिलरली सिक्स कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? कैप्रियोन। यस सर। लगा देंगे कैप्रियोनिक एसिड हो जाएगा। हां सर। ये चो एक कार्बन है, इन दैट केस क्या होगा? इट इज फॉर्म। यस सर। फंगल ग्रुप CHO के लिए क्या यूज करते हैं बोलो? एल्डिहाइड। यस सर। क्या बोलेंगे अमाइली? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। चलो सुना है फॉर्मेल्डिहाइड किस काम में आता है? अरे बोलो, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ बताओ इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। बोलो हाय ना? यस सर।
That is acetaldehyde. अरे बोलो सही है क्या? चलो ये वाला रफ कर दूं पोर्शन. Yes. तो भैया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो. यदि समझ में नहीं है देख लेंगे अपन लोग, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेंगे. लिखा है फॉर एग्जांपल इट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज सी एल. तो कितने कार्बन है? एक के लिए बोलो क्या यूज करते हैं? फॉर्म. उसके बाद में इसके लिए क्या करेंगे? आइल. आइल हैलाइड. आइल हैलाइड की जगह क्या हो? क्लोराइड दिया तो क्लोराइड ही लिखो ना. ओके सर. फॉर्माइल क्लोराइड. अरे बोलो आया ना. यस यस सर. नहीं समझा? समझ गया. समझ गया सर. समझ गया? यस सर. CH3 C double bond O N H 2. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. बोलो कितना है? टू कार्बन. बोलो एसिटाइल एसिड नाइट्राइल. अरे एसिटामाइड. लिखा है सपोज CH3CN दो कार्बन के लिए. बोलो कितने कार्बन है? दो. क्या यूज करेंगे? एसिड. एसिड. देन आफ्टर क्या लगाते हैं सफिक्स में? ओ. एसिड. हम क्या होगा इसका? एसिटोनाइट्राइल. अरे बोलो है ना. यस. बन पा रहे हैं? चलो यस. आप नाम बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? फाइव. के लिए यूज करेंगे हम क्या होगा? वैलेनडिहाइड. अरे बोलो वैलेनडिहाइड. सर ये समझा नहीं. समझेंगे एक बार फिर से. हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो दोनों तरीका होगा. सी यदि मैंने यहाँ पर बोला है कि लिखा है एस सी और यहाँ पर लिखा है डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक, तो यहाँ पर बताओ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? चार. yes, चार कार्बन की क्या ही होगा? इट इज ब्यूटायरिक एसिड. अरे बोलो है ना. yes, बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड. अब यदि इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं बोलो, और चेंजेस में मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल सीएल. अब बोलो भैया इसका नाम क्या होगा? इट इज ब्यूटायर क्लोराइड. ब्यूटायरल क्लोराइड. अरे यार नहीं समझा क्या? सर तो पे हैलाइड कब आएगा? ब्यूटाइल हैलाइड. हैलाइड जब एक्स होगा बेटा. एक्स इसलिए लिख दिया कि क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड कुछ भी लिख सकता हूँ. वो कॉमनली होगा आप सबके लिए, अलग से थोड़ी लिखूंगा. लेकिन यहाँ पर एक्स थोड़ी लेगा, सीएल लेगा. सीएल के लिए हैलाइड की जगह लिखेंगे क्लोराइड. अच्छा सर, तो मतलब अगर आप एक्स आ गया तो मैं इसको हैलाइड कर देंगे. एक्स लिखेंगे तो हैलाइड लिख दिया है ना. आयोडीन होगा तो आयोडाइड होगा. ठीक है. यस सर. तो आपने कॉमन लिख दिया था ना x सबके लिए लिख दिया था आपने. हाँ बेटा कंबाइनली हम लोग एक्चुअल में x इज नोन एज हैलोजन, तो सभी के लिए हम लोग x टर्म यूज करते हैं ना, उसी के बेस चल दे लो. ठीक है. चलो एक आध नाम और बनाना चाहोगे कि बस करें? सर बनाना. और बनाना है? यस सर. चलो सर 13 बना लिए, 2 बना लो. लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. एक कैटेगरी दो कैटेगरी अपनी बच गई है. देख भैया यहां पर लिखा है इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज
ओ और ये लिखा फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री। अब बात करें बच्चे अपन लोग वहां पर, यदि याद हो आपको क्या लिखे थे, अल्काइल देन स्पेस देन एट यस। अरे बोलो हाय ना। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन से छुड़ा हुआ पार्ट वो अल्काइल में आएगा। एक कार्बन के लिए हम लोग अल्काइल को क्या बोलते हैं, दैट इज मिथाइल। यस सर। अरे बोलो, ये आ गया आपके एक कार्बन के लिए मिथाइल। ये कौन सा मिथाइल है जो ऑक्सीजन से छुड़ा है। अब ना दो कार्बन के लिए हम लोग यस करते हैं, इट इज एसिड। यस सर। उसके बाद में सफिक्स क्या लगता है यहाँ पे, एट क्या होगा, मिथाइल एसीटेट। अरे बोलो हाँ है ना। सर कौन से कार्बन गिनने हैं इसमें। मैंने बोला दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन दो कार्बन दिख रहा है आपको, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ क्या है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कंटीन्यूअस कार्बन, ये आपका पेरेंट कार्बन चेन होगा। एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूएंट ना, या ब्रांच है, That is just for क्या है, वैलेंसी पर्पस से ही है। सुनो क्या ये इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं गिनना है फिर, क्या कंटीन्यूअस चेन में काउंट कर सकते हैं इसको, बीच में ऑक्सीजन आ गए ना। यस सर। तो कंटीन्यूअस कार्बन से कार्बन कितने जुड़े हैं उसके बेस पे बात करना है। अब जिस जगह ये लगा होगा उसके अकॉर्डिंग बात चलेगी। हाँ बोलो भैया क्या बोलना चाह रहे हो। सर वो बीच में स्पेस रहेगा, मिथाइल और एसीटेट। स्पेस क्या ऑक्सीजन है। नहीं सर लिखा जो है आपने। अरे बॉन्ड लगा दिया। नो सर आपने जो लिखा है मैं सर उसमें पूछ रहे कि मिथाइल के बाद स्पेस देके फिर सर आपने मिथाइल एसीटेट लिखा है ना तो उधर स्पेस दी। थम थम थम, ये रिपीटेड तो सिर्फ मेरा है ना, मैं कर रहा हूं ना। अरे बोलो। यस सर। है ना, तो बेसिकली सफिक्स तो बस अकेला ये था, That is it, ठीक है? क्या था suffix? It. That's why मैंने space दिया था उसमें। Alkyl वाला part कौन सा होता है जो oxygen से जुड़ा है? Alkyl पहले लिख दिया, then बीच में count the number of carbon, वो बीच में फंस जाएगा, then eight लग जाएगा। इसलिए मैंने बीच में space छोड़ा था। समझा क्या? सर ये वाला example वापस समझाएं। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, दूसरा समझेंगे। चलो देखो लिखा हुआ है, it is H. C डबल बॉन्ड, इट इज ओ, इट इज सी एच थ्री। बोलो हाँ है ना। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस ईस्टर यस और नो। यस। अब बात करें बच्चे अपन लोग, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी आपका मैटर होता है, एक कार्बन का मिथाइल, दो कार्बन का एथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइल, चार कार्बन का ब्यूटाइल एंड सो ऑन, जो भी होगा आपका, तो फिलहाल में क्या दिया, इट इज वन कार्बन, इट इज सी एस थ्री। क्या बोलेंगे इसको, बोलो इट इज नोन एज व्हाट, मिथाइल। मिथाइल बहुत बढ़िया, मिथाइल बोल दिया हमने। अब बात करें बच्चे अपन, मिथाइल फॉर्म एक कार्बन आ रहा आपका इस फंक्शनल ग्रुप में, दैट केस क्या होगा, मिथाइल फॉर्म फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। नहीं समझा क्या। अरे ये वाला कंपाउंड देख लो, बचपन से देखते आ रहे हो, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज CH2, CH3। क्या बोलते थे, बोल लो इसको, इथाइल एसीटेट। अरे बोलो हाय ना। यस सर। याद है ये सर, क्या होगा इथाइल, क्यों, क्योंकि दो कार्बन है, लिख दिया इथाइल। अरे यहां पर कितने कार्बन है, दो दो, दो के लिए क्या यूज करेंगे, एसी, उसके में एट एसी डेट। समझा क्या, एसेट और एट के बीच में स्पेस नहीं होगा क्या, क्या बेटा सर, एसेट और एट के बीच में स्पेस नहीं होगा, क्यों होगा बेटा, बेसिकली सफिक्स है ना, सफिक्स तो ऐड अप होते हैं ना। ओके सर, मतलब सारे सफिक्स थोड़ी है, किस प्लेस देंगे क्या सर, सफिक्स है ना बेटा, सफिक्स तो कंबाइन ही हुआ था ना, आखिरी वर्ड होता ना वो, यस ठीक है। तो हमने जितने भी यहाँ पे सफिक्स लगाए, सफिक्स क्या था आपका, आयल क्लोराइड, तो फॉर्म में लगा ना आपका आयल, स्पेस छोड़ दिया अपन ने। नहीं समझा तो एक बार दोबारा बता दो। मैंने बोला यहां पे लिखा इट इज एसिड ओ नाइट्राइल, तो एसिड ओ नाइट्राइल इट इज अ कंबाइंड वर्ड ना, एसिड ओ देन स्पेस देन नाइट्राइल है ना। यस सर। यहां पे लिखा फॉर्म अमाइड, तो कंटीन्यूअस में लिख रहे हैं ना आप लोग सफिक्स को। यस मतलब जोड़ के लिख रहे हैं सबको।
यहाँ पर ओ पर खत्म हुआ, देन स्पेस दिया, फिर नाइट्रिल, क्योंकि वो अलग अलग लिखा ही था आपका। चलो एक और बताओ आप लोग नाम। सर सर बोलो। अरे थाइल एसिटेट वाला समझा नहीं। नयन मधुबनी हो गया आप सही। यस और यस सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो तो भैया एक दो तीन कार्बन जुड़े हैं, मानते हो नहीं मानते? यस सर। यस सर। तीन कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? इट इज प्रोपाइल। प्रोपाइल। और यहाँ पर फंक्शन ग्रुप से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक दो तीन। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इट इज प्रोपियन। प्रोपियन। अरे अच्छे से बोलो। इट इज प्रो पी ओन। अरे बोलो। यस। उसका सफिक्स क्या लगता है इसका? इट इज एट। हम क्या हुआ? प्रोपियोनेट। अरे बोलो है ना। अरे अल्काइल ग्रुप वालों का नाम मतलब कैसे ले रहे हैं वो नहीं समझ रहा बेटा। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि सरो प्रो के बाद क्या लिखा है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट होता है वो आता है आपका अल्काइल वाला पार्ट। ठीक है? यस सर। सी मैंने यहाँ पर फंक्शन ग्रुप लिखा था। इट इज सर पी। एक सेकंड। इट इज ओ आर। दिख रहा है आपको? इसके लिए दैट इज अल्काइल। ठीक है? दैट इज अल्काइल पार्ट। और इसके लिए सफिक्स जो यूज किया था अपन ने दैट इज इट। तो सफिक्स तो ये हो गया आपका। अब सफिक्स के पहले कितने कार्बन है वो काउंट करके अपन को सफिक्स में ऐड करना है। यस सर। समझा क्या? इन केस यदि अभी समझ में नहीं आया तो ये मेरा प्रॉपर तरीके से बता दिए, चाहो तो आप इसको बॉर्डर के ऊपर छाप सकते हो। हाँ बोल भैया क्या बोला है? सर अब बहुत देर हो गई, हो गया मेरा काम। चलो आगे बढ़े क्या? दो मिनट लिखने के लिए टाइम दीजिए। हाँ जी। अरे एक बार इथाइल एसिटेट का समझा दीजिए। कितने कार्बन है बोलो? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। दो। यस सर। मतलब क्या आएगा? इथाइल। यस सर। और यहाँ पर कितने कार्बन है? दो। दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड। ओके सर। अभी सर। अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने समझ के है ना मेरा दिल महान कर दिया, अच्छा कर दिया। तो रावण जलाया था? नयन मधुमाली नहीं जलाया था? नहीं सर। क्यों? तुम्हारे सर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था? सर वो रावण है। नहीं ऐसा नहीं बोलिए सर। देखो साइल तोड़ते है ना, हिसाब से रहो, मार खाओगे तुम। नहीं सर ठीक है, वो भी अच्छा आदमी था। कौन? हाँ सर सही तो बात है सर। रावण। रावण अच्छा आदमी था? और क्या सर, इतनी शादियां करके बैठा था वो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। चलो फालतू बातें बहुत हो गई है। चलो आपको मैं दे रहा हूँ दैट इज लेको। सीधे बोल रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बताना है प्रोपियोनामाइड का। प्रोपियोनामाइड का फॉर्मूला बता पाओगे? रिपीट करना। प्रोपियोनामाइड कंडीशन है कि आपको उसको बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो फिर बॉन्ड लाइन करना। ठीक है? बन गया क्या? सर बन। Is it right or wrong? Right. चलिए डन। राइट। बहुत बढ़िया। राइट कोई दिक्कत नहीं है सर। वो कार्बन को शो नहीं किया तो गलत है ना? क्यों? एक कार्बन पर तो एक मतलब दो तो मतलब प्रोपियन है मतलब तीन हो गए। इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ दिस वन ना। यदि कार्बन है तो काउंट करोगे नहीं करोगे? नहीं समझा तो काउंट करना या नहीं करना? अरे करना है भैया, अपन ने इधर काउंट ही कर रहे थे बेटा। ओके नहीं समझा? समझ लिया। चलो
लिखो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग प्रीफिक्स यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम. प्रीफिक्स यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम नेक्स्ट हेडिंग इज. सर एक बार रिपीट करेंगे सर रिपीट. प्रीफिक्स यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम सर. हाँ जी सर लास्ट वाले जो इसमें कार्बन सोने कर तो चलता क्या. हाँ नहीं मतलब बिल्कुल चलता है ना. सर सर एसेट और एट दोनों सफिक्स ही है ना. क्या बेटा सर एसेट और एट दोनों सफिक्स ही है ना. एसेट सर एसेट ए सी ई टी एसेट लिखते ना अपन एसेटेट सर दोनों सफिक्स ही है ना. बना बेटा अल्काइल जो है ना वो प्रीफिक्स था और एट था वो सफिक्स था. मतलब बीच में क्या होगा आपका मेक मेन बैकबोन होगी आपकी. That should contain more number. So that should contain number of carbon atoms. ठीक है ना? सर. Prefix का मतलब जानते हो? हाँ सर जो पहले आता है. कोई भी नाम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना था? Prefix and suffix से? Yes sir. नहीं ऐसा नहीं है. क्या सर? आपका नाम क्या है? पूरा नाम? सर वेदांग. सर वेदांग सिंह. वेदांग सिंह. Yes sir. वेदांग सिंह में suffix क्या है? सर सिंह. सिंह. और prefix क्या है? सर वेदांग. नहीं मिस्टर. ओके ओके नाम है. अरे बोलो है. हाँ समझ में आया नहीं है. अरे मेन तो नाम है ना उसके पहले क्या लगाऊं उसके बाद में क्या लगाऊं ये तो आइडेंटिफाई करना है. समझ गया. अरे बोलो. यस ठीक है. यस हाँ बोलो भैया. साहिल क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था. हाँ हाँ बोल. सर मैं ये बोल रहा था कि सर अगर आप ये समझ रहे हो कि हम 10th में नॉमेनक्लेचर पढ़ के आया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने खुद नॉमेनक्लेचर तुम लोगों को भी ऐसा फील कराया कि मैंने तुम लोग पढ़ के आया हूं. मैं तो गवार मानता था आज ही मान रहा हूं. नहीं सर मतलब वही बोल रहा हूं सर. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना. मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि यार देखो जीरो लेवल पे सिखा रहा हूं जीरो लेवल पे सीखो आप है ना. इन केस यदि हो कोशिश करो आज की क्लास की समस्या आज ही खत्म हो जाए. वेट मत करना कल डीसीएस होगा तब पूछूंगा ठीक है ना. चलो क्या लिखा हम लोगों ने. प्रीफिक्स यूज इन कॉमन नेम सिस्टम लिख लिया सर. हाँ बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम प्रोपेनामाइड है ना. हाँ बिल्कुल भैया प्रोपेनामाइड है प्रोपियोनामाइड है ना. यस सर. हाँ जी लिखो इसमें पहला एडिंग प्रीफिक्स नॉर्मल. प्रीफिक्स नॉर्मल सर. जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. अरे वो प्रोपियोनामाइड के बाद क्या कर रहा है. इसका लिखो प्रीफिक्स यूज्ड इन अ कॉमन नेम सिस्टम. 11 वाले बच्चे मुझे इसलिए पसंद आए मतलब बहुत ज्यादा पसंद है. वो 10 मिनट बाद आके बोलते हैं सर हम तो डिस्कनेक्ट थे. फिर से बताओ पूरा. उसमें हमारा सोने वाला बच्चा जो है ना ये महान है सर. कहां सोया सर मैं. लिखो आज लेके स्ट्रेंथ कम लग रही है मेरे को ऐसा क्यों सर. सर वो परिणीति. हाँ परिणीति. चलो लिखना आप लोग प्रीफिक्स नॉर्मल लिखना आप लोग. इट इज यूज व्हेन ऑल द कार्बन आर प्लेस. इट इज यूज व्हेन ऑल द कार्बन आर प्लेस इन. All the carbon are placed in. Sir, repeat. Thing. It is used when repeat. All the. It is used when all the carbon atom are placed in a straight line manner. Straight line manner means no branching. Means no branching. लिख लिया. यार बात करें बच्चे अपन लोग स्ट्रेट लाइन में होगा. इन दैट केस हम जो नाम यूज करते तो वही होगी. मतलब यदि मैंने लिख दिया इट इज स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो लेंगे. बोलो हाँ है ना. यस सर. 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं अपन लोग.
इथेन, तीन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे प्रोपेन, चार कार्बन पे ब्रांचिंग चालू हो जाती है, तो मैंने लिख दिया इट इज सी एच टू, इट इज सी एच थ्री, मतलब इस वाले कार्बन को उठा के मैं कहां पर रख सकता हूं, तो मैंने बोला कि चारों कार्बन क्या है एक ही लाइन में, डेट केस क्या होगा कि हम लोग अभी तक तो नॉर्मल बोलते थे डेट इज अ ब्यूटेन, इससे भी अच्छा बोल सकते हैं इसके जस्ट आगे एन लगा देंगे, तो बोलते हैं हम नॉर्मल लेकिन लिखते हैं स्मॉल एन, एन स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन, अरे बोलो आए ना, तो नॉर्मल ब्यूटेन को हम चाहे तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes, sir. अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सपोज दिया हुआ है डेट वन कंपाउंड, सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ डेट कंपाउंड, कंटिन्यूस है, कितने कार्बन है, दो चार छह, अरे जहां से स्टार्ट होता है यदि वहीं पर खत्म हो जाए, नीचे से स्टार्ट हुआ नीचे पे खत्म होगा इन डेट केस ऑड होगा, और नीचे से स्टार्ट हुआ ऊपर से खत्म हुआ इन डेट केस इवन होगा, सही है दोनों, पर इसका नाम क्या है एन ब्यूटेन, इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होगा दो चार छह, मतलब इट इज एन हेक्सेन, अरे बोलो हाय ना, यस सर, मतलब यदि मैंने बोला यहाँ पर कि दिया हुआ है सपोज ये वाला कंपाउंड कितना होगा दो चार छह आठ और एक नौ, नाम क्या होगा बोलो, इट इज एन नोनिन, एन नोनिन, तो भैया किसी भी टाइप का कोई भी नेमिंग होगा आपका, यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग जो होती है वो क्या होती है स्मॉल लेटर से ही होती है, वो खत्म भी स्मॉल लेटर पे चलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करते रहो चलता है, लिखना आप लोग, समझ में आ गया क्या, एग्जाम्पल सर अपन लिख लो, एग्जाम्पल जी लिख लो सर, तीन का भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब तीन में ब्रांचिंग वैसे आएगी नहीं, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एन प्रोपाइल लिख दो, एन प्रोपाइल लिख दो सर, तो तीन का भी करेक्ट रहेगा ना, हाँ बिल्कुल इट इज एन प्रोपेन, लेकिन दो का नहीं बना सकते अपन, दो का नहीं होगा ना, कंडीशन इज दैट कि नॉर्मल में देखिए अपन लोग बात कर रहे हैं प्रोपेन में ब्रांच लगाओगे कहां पर, दो कार्बन है, तीसरा कार्बन लगाओगे इधर, इस पर लगाओगे या इस पर लगाओगे, तो स्ट्रेट लाइन में आने वाला है ना, तीन कार्बन है ना, मैंने बोला बता दीजिए ना, तीसरे तीन कार्बन में पहले दो कार्बन बना के अब तीसरा कार्बन लगाओगे किसी ना किसी कारण पे तो लगाओगे, हाँ सर, नहीं समझा सर, थर्ड वाले में नाम क्या लिखा है, इट इज इथेन, अब नेक्स्ट कार्बन लगाना अपन को आइदर इस पर लगाओगे या उस पर लगाओगे, डेट मस्ट बी क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन नॉट ब्रांच ना, सर सर वो थर्ड वाले पे नाम क्या लिखा आपने, इट इज एन नोनेन, तो ब्रांच मतलब वही ना सर कि एक पे दो चीजें लगाएंगे तब ब्रांच होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिया दैट इज कॉल्ड ब्रांच, ठीक है, तो ये सिस्टम अलाउड नहीं नॉर्मल में, तो इसमें सिर्फ अल्केन से एग्जांपल है, हाँ जी फिलहाल में, तो जरूरी है सर हर पे ब्रांच लगाना, अभी रुक जाओ बेटा आप देख सीख रहे हैं सर, फिर तो सर प्रोपेन तो सर राइट हुआ ना, एन प्रोपेन क्योंकि इसमें तो अपन ब्रांच लगा ही नहीं सकते, तो राइट होगा, मैंने बोला ना इट इज नॉट रिक्वायर्ड है ना, ये नीड नहीं है, लगा भी दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, लगाओ नेक्स्ट आगे बढ़े क्या सर, तो ये सब कंपाउंड में अपन को ब्रांच बनाने हैं क्या जो अभी आप बता रहे हो, अभी बताऊंगा हम बेसिकली बात करें बेटा, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस ये करना है कि रिकॉग्नाइज करना है और नाम लिखना सीखना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में नॉमनक्लेचर, बोलो हाय ना, हाँ सर, ठीक है, तो हमें अपने मन से कुछ नहीं करना, हमें तो बस यहाँ पर जज करना है कि किस टाइप का सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करना है, सर तो आप ब्रांच का क्या बता रहे थे सर, वहाँ पे नॉर्मल कुछ वो नहीं समझा, जाओ भाई रुक जाओ जाओ रुक जाओ सर, ये सी के साथ वो क्यों बनाया था आपने, क्या वो समझाने के लिए था, वो अलग से था, नेक्स्ट लिखो आप लोग प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स आइसो सर, ये सर नई हेडिंग है, हाँ जी नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन नेम है सर, क्या है प्रीफिक्स आइसो लिखा हुआ है सर, जो भी आपने इसके पहले बताया सर वो बोर्ड पे सर वो स्ट्रेट लाइन के लिए बनाया था ना, आपने स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए वो सर, लिखना आप लोग प्रीफिक्स आइसो, लिखना आप लोग इट इज यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is used when one methyl group is present
वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट कार्बन, एट सेकंड लास्ट कार्बन इन अ कंटीन्यूअस कार्बन चेन. इट इज यूज्ड व्हेन वन मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन सेकंड लास्ट कार्बन इन कंटीन्यूअस कार्बन चेन. लिख दिया? यस यस. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर क्या बोला है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो क्या करना है, सेकंड लास्ट, तो दैट इज अ लास्ट. इन दैट केस सेकंड लास्ट पर क्या लगाना भैया अपन को, दैट इज CH3. अब यहाँ पर लगा दिए एक CH. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप से टर्मोलॉजी होगी. फिलहाल में बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, लाइक लिखा है इट इज CH3, व्हाट इज दिस, क्या बोलते इसको बोल लो, मिथाइल. इट इज मिथाइल. और यदि मैंने CH4 कर दिया, इन दैट केस बैलेंस चली जाएगी, नाम क्या होगा, इट इज मीथेन. यस सर. मिथाइल और मीथेन में डिफरेंस क्या है, मीथेन जो है इट इज अ कंप्लीट कंपाउंड, और मिथाइल क्या है, इट इज अ रेडिकल. अरे बोलो हाय. यस सर. अब ये कभी ना कभी किसी से जुड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसके बाद OH लगा दिया, तो नाम क्या होगा, मिथाइल OH. मीथेन अल्कोहल तो नहीं बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा, इट इज नोन एज व्हाट, मिथाइल अल्कोहल. तो बेसिकली हम बात करें किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हम यदि एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, दैट मस्ट बी नोन एज रेडिकल. क्या बोलते बच्चे, रेडिकल. अब बात करें बच्चे अपन लोग, ये तो पता होगा यहाँ पर एक कार्बन के लिए अपन लोगों ने मैथ यूज किया था और सफिक्स क्या लगा था अपन लोगों ने इसके लिए, आई, दैट इज मिथाइल. यदि यहाँ पर चार होते, इन दैट केस मीथ, सफिक्स लगाए थे अपन ए, इन दैट केस फिलहाल में ये रेडिकल है कि कंपाउंड, इट इज रेडिकल. तो रेडिकल जो खत्म कहां पर होगा, आइल पर होगा कि एन पर होगा, सर रिपीट कर सकते, मैंने बोला सफिक्स इसका एन लगेगा कि आइल लगेगा, आइल. तो तीन कार्बन है और यहां पर मैंने बोला कि मिड वन कार्बन पे एक फ्री वैलेंस छोड़ दी, तो इसके लिए लिख दिया मैंने इट इज आइसो प्रोपाइल. क्या बोलेंगे इसको, आइसो प्रोपाइल रेडिकल, क्या लिख दिया, सिंपलेस्ट आइसो रेडिकल, सिंपलेस्ट आइसो रेडिकल. अब बताता हूं इसका मतलब, यार यहां पर यदि हाइड्रोजन लगा दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, दैट मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ लगा दिया तो क्या होगा, तो एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करते हैं हम लोग, यदि मैंने यहां पर एक कार्बन ही लगा दिया, डेट इज CH3, तो बोलो कंटीन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन के दिए, तीन कार्बन की. yes. अब किसी भी कॉर्नर से बोल दो डेट इज लास्ट, डेट इज सेकंड लास्ट पर क्या लगा आपका, मिथाइल. yes, sir. तो टोटल कार्बन कितने हुए, चार. तो हम लोग नाम यूज करेंगे डेट इज आइसो ब्यूटी. समझा क्या सर, फिर से बताओ, क्या बोलेंगे सब लोग, आइसो ब्यूटी. मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्रीफिक्स आइसो कब लगाते हैं, जब एक मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम लोग प्रीफिक्स आइसो यूज करते हैं. समझे क्या सर? हाँ सर. सर हम इसको मिथाइल प्रोपेन नहीं बोल सकते. क्या कचरे किए सर, मतलब पूछ रहा हूँ ऐसे ही. अब यार बात करें अपन लोग यहाँ पर, सर वो क्या लिखा, आइसो ब्यूटेन. हाँ जी, चार कार्बन है ना. अब बताओ भैया यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पांच. अब यार हम तो हमारी सिंपलिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, कि कोई बच्चा बोल रहा कि सर ये लास्ट है इस पर सेकंड लास्ट, अरे हम तो बोलेंगे ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है. नहीं समझा क्या, तो इसके सेकंड लास्ट पर क्या आ गया, एक मिथाइल. इन दैट केस क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रीफिक्स आइसो. आइसो देन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, 20. आइसो 20. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, ये वाले नाम हमें दिखने में बहुत बहुत आसान लग रहे हैं, इनको हम और चाहे तो और भी आसान बना सकते हैं यदि इनके हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. See, हमें ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये वाला सिस्टम हर जगह चाहिए,
जहां जहां आई से होगा, आइदर इन राइट साइड और लेफ्ट साइड, समझ पा रहे हो? चलो देखते बोलो मैं क्या बोलो। लाइकली इट इज सी एच थ्री, इट इज सी एच टू, इट इज सी एच टू, इट इज सी एच टू, इट इज सी एच, देन सी एच थ्री, देन सी एच थ्री। बताइए क्या यहां पर प्रीफिक्स आइसोल लग सकता है? यस सर। अरे बोलो लग सकता है तो लगा दो। एंड नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइसोहेप्टेन। इट इज आइसो हेप्टेन। मतलब यदि मैंने यहां पर आपको कंपाउंड दिया है डेट इज दिस वन, बताइए नाम क्या होगा इसका? सर आइसो पेंटेन। आइसो कितने कार्बन? पांच तो मुझे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं और एक सर आइसो हेक्सेन। क्या हुआ? आइसो आइसो हेक्सेन। नहीं समझा क्या? समझ गया। आइसो लास्ट में, आइसो के बाद क्या लिखा है कहां पे? लास्ट में इट इज हेप्टेन। और अच्छे से देखो, अब यार बात सुनना भैया, कुछ कहानी है जो अपन लोग थोड़ी देर से सुन लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस? इट इज आइसोप्रोपाइल। व्हाई सो? बिकॉज ये ग्रुप दिख गया अपन को और साथ में क्या दिख गया? एक फ्री वैलेंसी, बोलो है ना? यस सर। अब यदि मैं यहाँ पर फ्री वैलेंसी, अभी फिलहाल में नाम क्या है इसका? आइसोब्यूटेन। यहाँ पर फ्री वैलेंसी छोड़ दी मैंने, तो नाम क्या होगा? इट इज नोन एज व्हाट? आइसोब्यूटाइल। यस सर। आइसोब्यूटाइल। और वहां पर लिख दिया मैंने सपोज OH, तो नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। यदि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा है इट इज फ्री वैलेंसी, दैट इज नोन एज व्हाट? आइसो पेंटाइल। समझ पा रहे हो? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि हमें आइसो सिस्टम समझ में आ गया है तो बताइए क्या आप स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन बना पाएंगे? यस सर। अरे बोलो कौन सा? स्ट्रेट लाइन वाला कि ये साधा वाला? आपको जो अच्छा लगे बेसा, है ना? आपको जितना में जिसमें ज्यादा समझ में आता है वो बनाओ, लेकिन हाँ कोशिश करना हमें बॉन्ड लाइन समझ में आना चाहिए, है ना? मतलब बनाना आना चाहिए, डजंट मैटर। अभी फिलहाल में आप नॉर्मल वाला बना लो जैसा बनाना है आपको, देन आप आइसो ऑक्टेन को बोल लो, बाद में वो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री वैलेंसी के बता सकते हो क्या होते फ्री वैलेंसी? फ्री वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, हम एक कार्बन की चार वैलेंसी में से तीन वैलेंसी यूज कर ले और एक वैलेंसी छोड़ दे, इससे हम कोई भी कुछ भी चीज लगा सकते हैं फ्यूचर में, उसको बोलेंगे हम लोग फ्री वैलेंसी, दैट इज नोन एज रेडिकल। सो मतलब एक ही वैलेंसी छोड़ सकते हैं ना सिंगल? हाँ, एक भी छोड़ सकते हैं, मल्टीपल भी छोड़ सकते हैं, वो देखेंगे अपन लोग, है ना? ठीक है। एक भी छोड़, दो भी छोड़ सकते हैं, तीन भी छोड़ सकते हैं, चार नहीं छोड़ेंगे। चलो कर दो रफ इसको। तो भैया बना लिया आइसो ऑक्टेन? यस सर। अरे बोलो भैया बना लिया क्या? यस सर। आई थिंक दोनों ने बना लिया होगा। लास्ट के दो मत बेटा। कौन सा वाला बनाया? बॉन्ड लाइन वाला बनाया, कंडेंस फॉर्मूला बनाया? दोनों बनाया। बहुत बढ़िया। देखो यार ऐसे बच्चे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, है ना, जो मकार नहीं है एटलीस्ट। तो भैया क्या आप लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है? अरे बोलो। हाँ सर। अच्छा सर, उल्टा करके क्यों दे रहे? उल्टा करके दे दिया ना आपने, मतलब वो तो अपनी सिंपलिसिटी। दो चार छह सात, इधर यहाँ पे लगा दो तो भी आइसो हो गया, और यहाँ पे लगा दो तो भी आइसो हो गया। कौन सा वाला बनाया? ये वाला बनाया कि दूसरा वाला बनाया? ये वाला सभी लोगों ने बना लिया। आर यू श्योर?
दूसरा बनाया था इनमें से, दोनों में से कोई एक बनाया क्या आप लोगों ने? बहुत बहुत बढ़िया सर। सर आपने 7 कार्बन ही यूज किए ना सर, बॉन्ड लाइन वाले। शांतनु हाँ सर, कहाँ रहते हो? कुछ नहीं सर, अरे बोलो, बन गया गोला? बन गया डब्बा। चलो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन नहीं है यार, सोचना नहीं है सर। क्यों कटवा रहे? अरे यार तुम्हें, यार तुम्हें लग रहा मैं कटवा रहा हूं तो चलो जल्दी से काट दो उसको। गलत है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे आईएसओ रूल, आईएसओ रूल लिखना आप। ये प्रीफिक्स आईएसओ में कब एडिंग है क्या? हाँ जी, इसी में चल रहा है ना प्रीफिक्स आईएसओ। लेकिन रुको रुको, सर काटना है ना स्ट्रक्चर? हाँ जी बिल्कुल काटना भैया, सोचना थोड़ी, यदि एक बनाया तो एक काटना है, दोनों बनाया दोनों काटना है। तो कितने लोग थे इनका बर्बाद नहीं हुआ, ऐसा कोई है? मैं बच गया सर, मतलब वो लोग ना जिन्होंने बनाया ही नहीं। सर अब वो भारत में नहीं आए? हाँ जी, अब वो भारत में नहीं आए जिन्होंने नहीं बनाया। ये सर गलत बात है ना, बनाना चाहिए और काटना चाहिए ना। सही से दे रहा हूँ, बना लेना फिर काट लेना। लेकिन आप लोग, इट इज वैलिड अप टू 7 कार्बन एटम। It is valid up to 7 carbon atom, but fail in case of, but fails in case of iso-octane, but fails in case of iso-octane. लिख लिया? तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, आइसो ऑक्टेन कुछ अलग चीज है, वो एक कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन नाम से। तो लिखना आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, आइसो ऑक्टेन। बट इन केस ऑफ आइसो ऑक्टेन के आगे क्या बोला? बट इट फेल्स इन केस ऑफ आइसो ऑक्टेन। ओके सर। सर 7 इंक्लूडेड है ना? क्या 7 इंक्लूडेड है ना? सर कंफर्म कर रहा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, सीरियस ही बोल रहा है ना? यस सर, ये कंफर्म ही कर रहा था। आपको क्या लगा, डांट रहा हूँ? नो सर। चलो ये ड्रॉ करो, है ना सर? हाँ जी सर, पर मतलब 7 एटम तक ही है क्या? 7 एटम तक ही क्यों है, आगे क्यों नहीं? रूल यार, मतलब कुछ तो भी, मतलब उसके स्ट्रक्चर में गलती हुई होगी इसलिए रूल चलो ना। क्या सर पता सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक तो बाद में। सब्जेक्ट एक्सेप्शन अनलिमिटेड सर, सब्जेक्ट का नाम है एक्सेप्शन अनलिमिटेड। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है, व्हाट इज दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन? यस सर। केमिस्ट्री में ये स्ट्रेट लाइन होती है, बोलो हाय ना। हाँ सर। केमिस्ट्री में ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, हाय ना? नहीं पता सर। केमिस्ट्री में ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, डू यू नो अबाउट इट? नो सर। केमिस्ट्री में तो ब्रांच तो ये होती है, क्या फिर लगाया नहीं कुछ आपने? नहीं समझा? समझा, केमिस्ट्री है सब चलता है। ठीक है, तो बेसिकली आइसो ऑक्टेन ऑलरेडी कंपाउंड है,
यदि मैं आइसो ऑक्टेन इस रूल के अकॉर्डिंग या प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग चलाऊंगा तो अब बस क्या कंपाउंड कुछ और बन जाएगा। तो नेचर में ये कंपाउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। डू यू नो पेट्रोल? यस सर। मेन कॉम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है आपका आइसो ऑक्टेन होता है और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बनते हैं। और ये पता होगा आप लोगों को कि अलग अलग टाइप के व्हीकल के लिए अलग अलग टाइप के पेट्रोल होते हैं। बोलो है ना? यस सर। कार वगैरह बाइक वगैरह ये तो अपने नॉर्मल पेट्रोल पे अपन जाते ही है वो ठीक है। एरोप्लेन वगैरह होगा वो अलग होगा आपका ठीक है, वो अलग टाइप का पेट्रोल ही आता है उसका। उसके अंदर सुपरसोनिक प्लेन वगैरह होगा उनके लिए अलग टाइप का फ्यूल आता है आपका। तो सभी कैटेगरी क्या है आपके गैसोलीन है और डैट विल डिसाइड क्या होता है आपका आइसो ऑक्टेन के अकॉर्डिंग। जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन होगा उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ फ्यूल माना जाएगा ठीक है। यस सर। क्लियर है? अरे बोलो है ना? वो सीएच की एक कुछ नहीं सर समझ बैलेंसिंग। हाँ सर वो एच नहीं दिखा था बीच में। तो इसको क्या बॉन्ड लाइन में हम बना पाएंगे? स्ट्रेट लाइन में पांच कार्बन बना दो, एक ये बन गया और एक ये हो गया। बोलो हाँ या ना? दैट इज आइसो ऑक्टेन। क्लियर है बेटा? तो बताओ इसको लिखा के पढ़ा के ड्रॉ करके कटवाने का मतलब क्या था ताकि ये याद रहे कि वो गलत है। ये याद रहे कि हाँ यहाँ पर गलती की थी हमने ठीक है। तो सर हम लोग उसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं क्या? बेटा एक्सेप्शन क्यों बोल रहे बेटा? उसके लिए रूल तो लिख लिया मैंने कि अब लिमिटेशन लिखी ना। अब ये बात है कि लिमिटेशन बाद में बताई, बाद में क्यों बताई बोलो? सुनाते गलती तो करके आप ही याद रखो इस चीज ठीक है सर। यस सर। हाँ बेटा सर आइसोनोनियम कैसा रहता है सर? आइसोनोनियम नहीं होता। ओके सर अभी स्टोरी चलो आगे बढ़े क्या? चलो भैया कुछ बात पूछना है आप लोगों से, समझ में आ रहा है? यस सर। कितना समझ में आ रहा है? पूरा पूरा के थोड़ा थोड़ा सर आधा आधा सर। शत प्रतिशत सर थोड़े से थोड़ा ज्यादा और पूरे से थोड़ा कम। हाँ मतलब कंप्लीट नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ 80% से तो और भी आ रहा है ना, ऐसा मान सकता हूँ। अरे बोलो। हाँ आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करना, जो भी है मैं ही प्रोवाइड करूंगा हर चीज आपको ठीक है। और बाकी जो नए स्टूडेंट है उन लोगों से बोलूं तो हाँ जी नए वाले बच्चे। हाँ सर 80% से ज्यादा। समझ में आ रहा तुम लोगों को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक बात याद रखना तुम लोग, ये अपने आप को गए गुजरना मत समझना कि तुम लोग लेट हो गए हो, है ना। तुम सभी लोगों के लिए जितने भी स्टूडेंटों को भी राइट नाउ पढ़ा रहा हूँ, आइदर वो पहले पढ़ रहे थे या फिर अभी आए हो, आप सभी लोगों के लिए पहली बार ही हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहले से पढ़ के रखा। तो भैया तीसरा नंबर है आपका प्रीफिक्स नियो, लिख लिया? यस सर। रुको सर चलिए लिख लिया बेटा ना, टाइम पास नहीं करना। लिख लिया सर। लिखो कल यार, लेकिन रावण बहुत जल्दी चला दिया है यहाँ पे तो यार, पांचक बजे जल गया सोना था सर। ऐसे ही जलता? कितने बजे जलता है? छह बजे। छह बजे? नहीं सर जैसे अंधेरा हो गया ऐसे जला देते हैं। साढ़े छह का होता है, पांच बजे का नहीं पता मुझे, तो पता चला पांच बजे छह बजे जला दी हम। अलग अलग जगह होता है ना, आपने कहाँ देखा, आपने कहाँ से सुन के आए? नहीं मैं बेसिकली खाना वगैरह खा के फ्री होके मैं 9:30 बजे क्लिक किया कि चलो रावण जल रहा हुआ देख के आते अपन कहीं ना कहीं। तो चलो रावण तो निपट चुका था कब का, तो लोगों ने बताया 5 बजे जला दिए थे हमको। सर राम को जल्दी होगी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ना, चलो लिखो है ना। प्रीफिक्स नियो अक्षत और साहिल इनसे बात ही नहीं करना चाहिए। लिखो प्रीफिक्स नियो में, इफ टू मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन
इफ टू मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इफ टू मिथाइल आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इन अ कंटीन्यूअस कार्बन चेन इन अ कंटीन्यूअस कार्बन चेन देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड then prefix neo is used likhiya likhiya yes sir yes, yes sir likho next ek note point for using prefix neo for using prefix neo at least 5 carbon at least 5 carbon must be present at least 5 carbon must be present done or not done sir to bhaiya ye kya hai alkane hai ki alkyl hai alkyl अब बात करें बच्चे अपन लोग दैट इज अ लास्ट कार्बन दैट इज अ सेकंड लास्ट इस पर एक मिथाइल लगा हुआ है एक और मिथाइल लगा हुआ है तो क्या यूज करेंगे अपन लोग कंडीशन बोली कि टोटल कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए तो 5 कार्बन है दैट मस्ट बी क्या होगा बोलो इट इज अ नियो पेंटाइल अरे बोलो हां है ना नियो पेंटाइल रेडिकल मतलब simplest neo radical अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पे क्या होगा यदि मैं इस कंपाउंड का नाम पूछूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि कॉर्नर हो गया इट इज लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन एक मिथाइल लगा एक मिथाइल लगा बोलो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन 5 इन दैट केस क्या लगाऊंगा नियो नियो पेंटेन पेंटेन अरे बोलो हाय ना नहीं समझा क्या समझ गया समझा सर अब देखो अब समझा क्या इट इज नियो पेंटेन समझा क्या तो बताओ नियो ब्यूटेन हो सकता है कभी नो सर नो सर नियो ब्यूटेन नहीं हो सकता व्हाई सो क्योंकि लिमिटेशन ही है कम से कम कितने होने चाहिए 5 तो क्या आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता पाओगे क्या होगा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा नियो हेक्सेन इट इज नियो हेक्सेन हेक्सेन एंड व्हाट अबाउट दिस वन नियो हेप्टेन समझा क्या एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड न्यू हेक्सेनॉल न्यू हेक्सेनॉल न्यू पेंटेनॉल न्यू पेंटेन सर पेंटेनॉल पेंटेनॉल हां न्यू पेंटाइल अल्कोहल नियोपेंटाइल सर आप बता दो तो भैया ये कार्बन और बाकी रिमेनिंग कार्बन 5 कार्बन होगा इन दैट केस क्या होगा नियो पेंटाइल अल्कोहल अरे बोलो हाय ना सर दोनों सेम ही क्या बोली क्या बोलो नियो पेंटाइल अल्कोहल समझे क्या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये तो कार्बन है ना और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा इट इज नियो पेंटाइल समझा क्या चलो कुछ और नाम देखते बच्चे अपन लोग यहां सपोज दिया हुआ है लाइक दिस वन कंपाउंड
सर वो नियोपेंटाइल अल्कोहल में जहाँ OH अटैच है वहां पे कार्बन नहीं है क्या? ये ना नहीं सर OH कॉर्नर पे OH लगाया ना कार्बन होता तो कॉर्नर फ्री होता ना? नहीं तो मतलब वहां कार्बन से अटैच हो OH. ये जो ऑक्सीजन है ना इस कार्बन से अटैच हो और दैट इज अ सिंगल. ओके सर क्लियर है. यस सर. चलो व्हाट अबाउट दिस वन क्या होगा? आइसो 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 पेंटेन. अच्छा आप बताओ इसका नाम क्या होगा? Isobutanoic acid. Isobutanoic acid. भूल जाओगे इसके कार्बन को. Pentanoic acid. गोल में नहीं था कार्बन. इसमें तो है iso. Sir, isobutanoic acid. Isobutanoic भैया. तो मैं इसका नाम बोलता हूं इट इज आइसोपेंटेनोइक पेंटेनोइक एसिड. अरे ब्रो है ना? यस सर. लेकिन एक बच्चे ने नाम लिखा सर इसका नाम आइसो. वैलेरिक एसिड है बताइए इज इट राइट और राइट सर. राइट समझा क्या मतलब? थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है समझ पा रहे हो? यस सर. भैया आइसो हमें लगाना डेट इज टू और पांच कार्बन के लिए हम लोग वेलर लगाना ये भी सही है बाकी सी हो जाए काम है. एक एसिड बोलो हाय ना. एक और बनाओगे? यस. अरे बोलो सर. सर CONH2. अब बोलो जो मैंने सिखाया उसके बेसिस पे कितने कार्बन है फर्स्ट ऑफ ऑल? पांच. चलो इस बार कार्बन थोड़ा कम कर दो. CONH2. अब कितने कार्बन है? चार. yes. बोलिए क्या होगा? आइसोब्यूटेनामाइड. आइसो ब्यूटेनामाइड. और ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं बोलो डेट इज आइसो ब्यूटेनामाइड. हाँ जी और आइसो ब्यूटाइल. एमाइड. अरे बोलो है ना? Yes, sir. तो पहला नाम क्या लिखा है आपने? ब्यूटेनामाइड. और नीचे लिखा है ब्यूटेनामाइड ब्यूटाइर. सर वो आइसोपेंटेनोइक एसिड में से कुछ रेडिकल वगैरह नहीं है ना? रेडिकल क्या आपने सीओएच तो लगा दिया बेटा. हाँ सर. सर अगर सीओएच नहीं रहता तो सर रेडिकल रहता क्या? फिर भी नहीं रहता ना. बॉन्ड लाइन में हम लोग रेडिकल ड्रॉ नहीं कर सकते ना क्योंकि ये पूरा पूरा कंपाउंड ही मानेंगे अपन लोग. अदरवाइज रेडिकल मानेंगे. रेडिकल का बना नहीं सकते. रेडिकल का हम लोग बना नहीं सकते वो स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन. चलो इस कंपाउंड का नाम तुम लोग ये लिख रहे हो कि मतलब बस देख रहे हो? बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देख रहे. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रेडिकल? क्लोराइड. आइसो प्रोपाइल. सही है? यस. क्या नाम है वो? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. समझा क्या?
सर ये वाला एक बार रफ कर सकते हो। चलो ये रफ कर दो बाकी का। यस सर। जो भी बताया उसका नाम क्या बोला आपने? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लुक देखा है CH3 CL। अब इसमें पता नहीं आप इसको देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है भाई साहब। क्या यहां पर आपको आइसोप्रोपाइल दिख रहा है? यस। आर दे सेम? यस और नो? यस। ये भी तो सेम। नाम क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यस। क्लियर? यस। चलो तो एक काम करो सर। सर सर तो वो सीएल वाला सर वो कैसे होगा सर? आईसो से उसमें तो सेकंड में नहीं है। कौन महान है भैया? आवाज नहीं आ रही हमें। किसी को आ रही हो तो बताओ। हेलो सर। हां बेटा सर वो एक बार बता दीजिए ना सर, वो क्लोराइड वाला सीएल वाला नहीं समझा। कौन सा सर? वो स्ट्रक्चर वो आईसो वाला। हां सर वो पहला वाला। हां सर ये वाला। हां सर। हां तो क्या होगा इसमें बताओ सर? वो समझा नहीं सर उसका आईसो क्यों आया सर। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ और एक्चुअल में है क्या नजरिया? तुम बेसिकली ये देखना चाहते हो। बोलो हाँ ना। हाँ सर। तुम्हें समझ में आता है इट इज कॉर्नर और ये हो गया आपका सेकंड कॉर्नर। हो गया सेकंड कॉर्नर पे मिथाइल लगा। बोलो हाँ ना। हाँ सर। मैं बोलता हूँ कॉर्नर सेकंड कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर में मिथाइल लगा। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ये नजरिया देखने का और कुछ भी नहीं है भाई साहब। इन दोनों में देखें एक दो तीन और थ्री कार्बन आर इन स्ट्रेट लाइन। वन टू थ्री ऑल आर स्ट्रेट लाइन। वन टू थ्री और आर इन स्ट्रेट लाइन। बोलो है ना। बस कॉर्नर पे सीएल नहीं लगा। कहां पे लगा? मिड वन पे। और मिड वन पे लगा होता तो हम इसको क्या बोलते? इट इज नोन एज व्हाट? आइसो प्रोपाइल रेडिकल। मैंने बोला सिंपलेस्ट आइसो रेडिकल। याद है? यस सर। सर तो CH3 जो CH से लगा है सर स्ट्रेट लाइन में सर वो भी मतलब आइसो ही होगा। अपन अब देखने का नजरिया एक्चुअल में हम यही पर गलती कर जाएंगे ना कि यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या स्ट्रेट लाइन में देख रहा है आपको, लेकिन बेसिकली क्या है आइसो वाला पार्ट है ना। यस सर। ठीक है सर। यस सर। यदि एक कार्बन बदला दूं तो अपने आप सारे पत्ते खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यहाँ पर CH3 इट इज CH इट इज CH3 देन CH2 और यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल OH। नाम क्या होगा? इट इज आइसोब्यूटाइल। अरे बोलो आए ना। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है सर। कौन से पत्तों की बात कर रहे हैं? अभी रुक जाओ ना कि यहां पर हम कैसे भी कुछ भी ड्रॉ करें आपको समहाउ ये हमेशा ये वाला पार्ट देख ही जाएगा। सी देख पा रहे हो? यस सर। तो एक दो तीन तीन कार्बन कॉम्बिनेशन। एक दो तीन कार्बन कॉम्बिनेशन बेसिकली यही तो देखना अपन। क्लियर है? अरे बोलो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर समझ में आ रहा है इट इज सेकंड लास्ट कार्बन होगा। इट इज सेकंड लास्ट होगा। यहाँ पर ये होगा आपका CH3। चार कार्बन के लिए बोल क्या यूज करते हो आप लोग? इट इज आइसो ब्यूटाइल। सही है। और OH और लगा दिया क्या होगा? अल्कोहल। क्लियर है? यस। ब्यूटाइल कैसे होगा आप बता दो? कितने लगा दो? पेंटाइल लगा दो? प्रोपाइल होगा ना ये पगले लड़के। कितने कार्बन है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। हाँ सर तो ब्यूटेन होगा। उसको वो एन और आइल का इंटरचेंज नहीं समझा बेटा। ब्यूटेन अल्कोहल नहीं होता, ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। ठीक है? ब्यूटेन का मतलब जानता है? ये CH3 लगा। ठीक है? यस सर। अब यदि मैंने यहां से कुछ लगाना है तो कहीं ना कहीं से कुछ हाइड्रोजन वगैरह हटाओगे कि सीधा लगा दोगे? हाँ सर। हाँ समझ गया सर। अरे यार ये क्या हो गया अब राइट नाउ? इसको जब हटा दिया तुरंत से बन गया इट इज आइसो ब्यूटाइल। यस सर। और वैलेंस सैटिस्फाई करने के लिए क्या लगा दिया अपन ने? अल्कोहल। नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा के भैया? यस सर। सर जो लेफ्ट साइड में इस चीज के लिए मैं मजे ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है ना।
नहीं सर समझ गया सर, लेफ्ट साइड में जो सबसे नीचे वाला है उसको प्रोपाइल के टर्म्स में नहीं लिख सकते क्या? कागा बोले हो ये? यस सर। प्रोपाइल के टर्म में मतलब? सर मतलब जो आपने ये लगाया ना ब्रांचिंग उसका सी कैलकुलेट नहीं किया। ये क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा है ना, इसके लिए मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। हम सब कुछ बात मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है? इसके बेस पे आपने लिखा आइसोब्यूटेन अमाइड, दैट इज ट्रू, बोलो हाँ है ना? यस सर। बट दैट कर्व इज अ पार्ट ऑफ द, यस सर वही प्रॉब्लम है। हां अरे बोलो, इन दैट केस काउंट किया ना अपन ने इसमें? यस सर। ठीक है, यस सर समझ गया। चलिए तो बताओ भैया आगे बढ़ना है, दो मिनट है, खत्म करें। सर बहुत नाम ले लिया आज, अब कल करेंगे।